बिना प्याज और लहसुन का, सिर्फ थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ एक बहुत ही लाजवाब और अच्छा रेसिपी बनाया जा सकता है। कोरमा, सब्जी का कोरमा, वेजिटेबल कोरमा बनाया जा सकता है। तो मेरे किचन में, मैं जीत चक्रवर्ती, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हम बनाएंगे वेजिटेबल कोरमा बिना अदरक लहसुन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो मैंने थोड़ा थोड़े से सब्ज़ी लिए है, आलू ले लिया। आलू को हम क्यूब साइज़ में इस तरह से काट लेंगे। इस तरह से आलू हमारा कटिंग हो चुका है। मैंने चार आलू लिए हैं, एक गाजर लिया है। तीन चार आदमी के लिए एक सब्ज़ी हम बनाने जा रहे हैं। बहुत ही माउथ मेल्टिंग सब्ज़ी होता है ये। इसमें ना प्याज है ना लहसुन है। एक गाजर मैंने काट लिया, बेबी कॉर्न, इसको भी हम छोटा छोटा पीसेस में काट लेंगे इस तरह से। अब थोड़े से मशरूम भी मैंने ले लिया, बटन मशरूम। तो और थोड़ा सा सोयाबीन मैंने भिगो के रखा था, इसका पानी निचोड़ के हम इसके साथ एक साथ कर देंगे, मशरूम, बेबी कॉर्न और सोयाबीन। अब सबसे पहले गाजर और आलू को हम एक थोड़ा सा ब्लांच कर लेंगे, उसको थोड़ा सा नरम कर लेंगे ताकि आसानी से ये गल जाए। थोड़ा सा फ्राई करके उसके बाद सब्ज़ी हम बनाएंगे आगे। तो इस तरह से थोड़ा टाइम, बस दो तीन उबाल आ जाए पानी में डाल के, थोड़ा सा हल्दी नमक डाल के उबाल के इसके बाद छान लीजिए। अब मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट में मैं भी यूज़ करूँगा। ड्राई फ्रूट में सिर्फ मैंने काजू ही यूज़ किया, आप चाहे तो और भी आलमंड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले काजू को मैंने निकाल लिया, आप सोयाबीन, मशरूम और बेबी कॉर्न, इसको एक साथ बढ़िया से इस तरह से हम अभी निकाल लेंगे इसको एक प्लेट में। तो मशरूम, सोयाबीन हो गया। अब हम सब्ज़ी को डालेंगे, आलू और गाजर जो ब्लेंच करके रखा था इसको भी थोड़ा हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा, बस हल्का 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 काला रहने तो पकाना है इसको। अब हमें सारा सब्ज़ी जो है फ्राई होकर तैयार हो गया। अब मैंने इसमें जीरा डाल दिया, घी डाला और अदरक और ग्रीन चिल्ली का पेस्ट और पानी डाला। अब मसाले डालेंगे। पानी इसलिए डाला, मसाला डायरेक्ट मसाला डालने से जल सकता है, इसलिए पानी, चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, उसके बाद कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा काजू पाउडर मैंने डाला। अब इसको थोड़ी देर पका के अब मैंने ग्रीन चिल्ली पेस्ट डाल दिया इसमें। अब थोड़ी देर, अब इसमें जाएगा ये असली चीज़। ये हो गया आपका कोरमा के लिए जो नारियल का दूध, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। मेरे पास टीना वाला था, मैंने टीना वाला डाल दिया, तो टीना वाले से भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब ये जो फ्राई करके रखे थे सब्जी, इसको डाल देंगे हम, सब्जी और फ्रूट्स एक साथ। अब इसको थोड़ी देर हमको अच्छे से चलाना है। थोड़ी देर चलाने के बाद अब इसमें डालेंगे नमक। बिना नमक का कोई भी सब्ज़ी जो है स्वाद अधूरा होता है। तो नमक मैंने डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर और चला के अब इसको हम पकाने के लिए इसमें हम पानी डालेंगे। तो इस तरह से फ्राई कर लेना है। अब मैंने इसमें बटर डाल दिया, थोड़ा सा बटर इसलिए डाला, थोड़ा खाने में थोड़ा स्वाद और बढ़ जाएगा। तो अब थोड़ी देर चलाने के बाद अब इसमें हम डालेंगे पानी, दो कप से थोड़ा ज़्यादा, ढाई कप के करीब मैंने पानी डाल दिया। सब सब्ज़ी को बहुत अच्छी तरह से मिला लिया। अब इसमें सौंफ फ्लेवर लाने के लिए सौंफ का पाउडर मैंने डाला, क्योंकि इस व्यंजन का नाम ही सौंफिया कोरमा है। अब मैंने फ्रेश क्रीम और धनिया पत्ता डाल दिया। अब इसको मिला देंगे और दो तीन मिनट और पका के हम इसको बढ़िया से बॉल में निकालेंगे। देखिए सब्ज़ी, देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये सब्ज़ी। अब हम बॉल में निकाल लेंगे इसको, गर्मा गर्म इसको सर्व करना है। और इसको हमेशा
गर्मा गर्म आप देंगे तो ही आपको टेस्ट आएगा। रोटी, नान, पराठा जो भी आप चाहे ले सकते हैं।